क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कठौतिया में स्थित कम अपोजिट विद्यालय में एक जातिवाद का मुद्दा गर्म हो गया है। क्या है ये पूरा मामला, आइए जानते हैं। इटावा जनपद के ताखा तहसील में थाना उसराहार क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम कठौतिया में स्थित कम अपोजिट विद्यालय में एक जातिवाद का मुद्दा गर्म हो गया है। प्रधानाचार्य की समिति ने एक दलित महिला की रसोईया के पद पर नियुक्ति कर दी है, जिस कारण से ग्रामीणों ने इसका विरोध जताया है और पढ़ने के लिए बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं। ये सारा विवाद ये हुआ कि मेरे विद्यालय में 305 छात्र संख्या है, मुझे एक रसोईया की आवश्यकता थी बच्चों को खाना बनाने में, तो मैंने एक दलित समाज से एक रसोईया का चयन कर लिया और इस चयन करने के दलित समाज होने के कारण ये लोग आए 10-15 लोग और दबाव बनाया कि इनको क्यों रखा, इनको हटा दीजिए, मेरे बच्चे यहाँ खाना इनके हाथ का नहीं खाएंगे। विरोध करने वाले OBC समाज से हैं, साख समाज से हैं और वो इसलिए दबाव बना रहे थे कि इनको हटा के हमको कर दिया जाए। अच्छा, तो OBC ऐसी क्यों लगा दी, गांव के कुछ बच्चे भी नहीं आ रहे इसी वजह से। गांव के बच्चे नहीं आ रहे, वो अपने बच्चे नहीं पढ़ा रहे स्कूल में। मतलब आपके हाथ का खाना नहीं खिलवाना चाहते? हाँ। क्या ये बनाएगी तो मेरे बच्चे नहीं खाएंगे, बोले। ऐसे कितने बच्चे हैं जो आपके हाथ का खाना नहीं खाना चाहते हैं, उनके घर वाले मना कर रहे हैं? अच्छा, मामला ऐसा कुछ नहीं है, वो रसोइयों का आपस में है ऐसा। अच्छा। वहाँ पर खंड शिक्षा अधिकारी गए थे और वो बता रहे थे कि CO साहब भी गए थे, दोनों को समझा दिया गया है, ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ऐसी बात होगी तो फिर हम भेजेंगे, लिखवाया जाएगा। ग्राम प्रधान सहित कुछ ग्रामीणों ने किया विरोध, पढ़ने के लिए नहीं भेज रहे हैं स्कूलों में बच्चे। प्रधानाचार्य का आरोप है कि OBC वर्ग के लोगों ने इसका विरोध किया, दलित महिला के हाथ का बच्चे नहीं खाएंगे खाना। प्रधानाचार्य ने बताया कि ग्रामीणों की मांग है कि दलित महिला को हटाया जाए, अन्यथा हम बच्चों को नहीं स्कूल भेजेंगे। अभी भी बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। रसोई ने बताया कि कुछ बच्चे आ नहीं रहे हैं, कुछ स्कूल आने के बाद मिड डे मील नहीं खा रहे हैं। BSA ने कहा कि जानकारी के मुताबिक रसोइयों का मामला है, विद्यालय में बच्चे नहीं आ रहे हैं या विरोध है, तो इस संबंध में एक बैठक बुलाई जाएगी और ग्रामीणों को समझाया जाएगा।